नमस्कार दोस्तों, कहते हैं इफ देयर एक्सिस्ट नो पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर देन विक्ट्री इज मीनिंगलेस। मतलब यदि हार की कोई संभावना ही ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए प्रयास करते रहें। इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति बताना है कि किस प्रकार की होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है प्रायद्वीपीय। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की नदियां प्रायद्वीपीय है। अब प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है कि वर्षा आधारित होना, और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो सारी वर्षा आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती है? सर्वाधिक बहती है, सबसे कम बहती है, या मध्यम बहती है? आंसर देखते हैं। आंसर है सर्वाधिक। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? ताप्ती नदी का, गार नदी का, नर्मदा का, या शिप्रा का? आंसर देख लेते हैं। आंसर है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का नाम नामोदोस भी है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नदी की, तो रामायण में इसे रेवा भी कहा गया है, और भूगोलविद टॉलमी ने इन्हें नामोदोस कहा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि नामोदोस किसने नाम रखा है, तो भूगोलविद टॉलमी ने इसका नाम नामोदोस रखा है, और अन्य नामों में इसको बोलते हैं मेकलसुता, सोमोदेवी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? गाइस, इसमें पूरे भारत की बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश में बताना है। 13-12 किलोमीटर, 10-77 किलोमीटर, 10-88 किलोमीटर, या 12-10 किलोमीटर? फ्रेंड्स, आप खुद कोशिश करें कि इसका आंसर आप खुद ही लगाएं, उसके बाद आंसर देखें। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। आंसर है 10-77 किलोमीटर। 10-77 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है, और अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। जैसे कि अमरकंटक से निकलने के बाद जब खंबात की खाड़ी में गिरती है तो उसकी टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र कितना है? नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र कितना है? तो आंसर देखते हैं। आंसर है 93,180 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में 89.8%, महाराष्ट्र में 2.7%, और गुजरात में 8.5% बहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कपिलधारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्र धारा, या उपरोक्त सभी? आंसर देख लेते हैं। आंसर है उपरोक्त सभी। कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार, दर्दी, धुआंधार, सहस्त्र धारा, ये सारे तीनों जो हैं वो नर्मदा नदी बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? सहायक नदियों का मतलब नर्मदा नदी में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं या उससे होके बनती हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 41। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। अब इनमें से बताना है कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का, शंकवा का, ऐश्चुरी का, या उपरोक्त किसी का भी नहीं? तो इसका आंसर देखते हैं। नर्मदा नदी ऐश्चुरी बनाती है। फ्रेंड्स, ये नदी डायरेक्ट नदी में जाके गिरती है, मतलब अरब सागर में जाके गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? अब इसमें ऑप्शन देख के बताना है कि ताप्ती नदी का उद्गम
कौन से जिले में है? होशंगाबाद में, हरदा में, बैतूल में या छिंदवाड़ा में? आंसर देखते हैं, आंसर है बैतूल में। फ्रेंड्स, ताप्ती नदी बैतूल इसका उद्गम स्थल है। जैसे बैतूल जिले के मुलताई नगर के समीप से यह होती है। इसका उद्गम बैतूल के मुलताई से होता है और पश्चिम की ओर बहते हुए क्या करती है, ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भिंड, रतलाम, महू या उज्जैन? आंसर देखते हैं, आंसर है महू। फ्रेंड्स, चंबल नदी मध्य प्रदेश की नदी है जिसका उद्गम महू इंदौर से होता है। महू इंदौर की जाना बावा पहाड़ी से होता है। चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है जो कि इटावा के पास जाके यमुना नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, महू इंदौर में आता है और महू की जाना बावा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना? अब इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं की गई है, इसमें पूरे भारत की बात है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आंसर देखते हैं, आंसर है नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। और अगर इसके अतिरिक्त तो कोई नदी की बात करें तो ताप्ती, साबरमती और लूनी, ये नदियां भी पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन में से देखकर ही देना है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका आंसर नर्मदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। इनमें से कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? बेतवा, महानदी, चंबल या ताप्ती? तो इसका आंसर देखते हैं, ताप्ती नदी। फ्रेंड्स, बात करते ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी बैतूल के मुलताई से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित होता है? मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? चंबल द्वारा, सोन द्वारा, केन या टोंस? आंसर देख लेते हैं, आंसर है चंबल नदी के द्वारा। फ्रेंड्स, उत्खात का मतलब होता है उत्खाल स्थल आकृति वह होती है जिसमें चिकनी मिट्टी की, ड्राई मतलब सूखी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छिप्रा, कालीसिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? छिप्रा और कालीसिंध किस नदी की सहायक नदी हैं? केन, चंबल, बेतवा या सोन? आंसर देख लेते हैं, आंसर है चंबल। छिप्रा, कालीसिंध, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अब गंगा जो बहती है उसमें दक्षिण की ओर से कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना, सोन, केन या बेतवा? तो आंसर है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है जो कि बाई ओर से गंगा नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? सांची और विदिशा नगर जो है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, ताप्ती पर, बेतवा या सोन पर? आंसर है बेतवा नदी। फ्रेंड्स, बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? कितने सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर? तो आंसर देखते हैं, आंसर है 100 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा प्रदेश के अधिकांश भागों को घेरे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? अब इसमें यह बताना है कि दो भागों में विभाजित करती है, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। आंसर देखते हैं, आंसर है 60 सेंटीमीटर। ये क्या करती है, एक तो पन्ना, दमोह, सागर और रायसेन को बांटती है और उधर दूसरी तरफ होशंगाबाद और बैतूल जिले को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? फ्रेंड्स, वैसे तो वर्षा जून से चालू हो जाती है और इसमें पूछा गया है कि जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है। आंसर देख लेते हैं, आंसर है 1000 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ये वंश नहीं है, भ्रंश पढ़ना इसको गलती से मिसप्रिंट हो गया। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, सोन या केन नदी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेगा। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।